तो दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल गॉड टेक्निकल। दोस्तों सिखाना मेरा काम, सीखना आपका। सीधे टॉपिक पर आ जाते हैं भाई। आज का जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो लोग शेयर चैट पर अर्निंग कर रहे हैं, जो लोग शेयर चैट पर पैसे कमा रहे हैं भाई, उन लोगों के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो मैं पहले तो यही चाहूंगा भाई कि वीडियो आज पूरी देखना आप, क्योंकि वीडियो हो सकता है 1-2 मिनट लंबी हो जाए, 5-7 मिनट की हो जाए, लेकिन आपको समझना होगा इस वीडियो को। आज का जो टॉपिक है वो ये है कि आपके जो शेयर चैट पर वीडियोस पर व्यूज आते थे 1 से 2 हजार, आज वही व्यूज आपके घटकर रह गए हैं 500 से 700 के बीच एवरेज एक आपकी पोस्ट पर। तो ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा होने की क्या वजह है, और आप इसको किस तरह से ठीक कर सकते हो और उस व्यूज को अच्छे से और गेन कर सकते हो, आज के टॉपिक पर हम यही बात करने वाले हैं दोस्तों। तो जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं भाई, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अगर आप चाहते हो ऐसी वीडियोस देखना शेयर चैट की, तो सब्सक्राइब करना यहाँ पर चैनल को, और साथ में लगे नोटिफिकेशन बेल यानी घंटे को भी दबा देना। दूसरी चीज ये कि भाई हमारे चैनल पर जो भी वीडियोज आती है आप उनको लाइक नहीं करते हो, तो भाई अभी से वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि बाद में आप भूल जाते हो, और आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट भी आपके लिए होने वाली है। तो दोस्तों आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आप एक चीज़ बड़ा ध्यान से समझना, आप जिस वक्त पहले वीडियोस बनाते थे उस वीडियो में कितनी मेहनत आपकी लगती थी, आप जरा उस चीज़ को समझिए। मान लीजिए एक वीडियो बनाने के लिए आपने 10 मिनट बर्बाद करे, एक वीडियो बनाने के लिए आपने 10 मिनट की मेहनत लगाई और 10 मिनट में वो चीज़ निकाल कर दी जो बाकी लोगों से थोड़ी सी अलग थी, और उसको जब आपने पोस्ट करी तो उस पर व्यूज आते थे आपके 1 से 2 हजार, ये पहले की बात है। तो आप उसके एवरेज के हिसाब से भी पैसा पहले कमाते थे। आज क्या हो रहा है, आज वही चीज़ हो रही है कि आप फिर भी 10 से 12 मिनट लगा रहे हो आज भी वीडियो बनाने में, एक वीडियो में, और उतनी मेहनत कर रहे हो, और जब उसको पोस्ट कर रहे हो, पोस्ट करने के बाद उसमें टैग भी अच्छे यूज़ कर रहे हो, सब चीज़ उसमें अच्छी हो रही है, लेकिन व्यूज़ कहाँ घट रहे हैं आपके। व्यूज़ आ जाते हैं अब आपके, पहले 1200-1300 थे, अब आपके जो हटे हैं वो 500 से 600 एवरेज आपका आ चुका है। तो यहाँ पर एक छोटी सी बात है जो आपको समझनी पड़ेगी, शेयर चैट पर इस वक्त जो है कंपटीशन वो बहुत ज़्यादा हो चुका है। कंपटीशन इन द सेंस कि जहाँ पहले शेयर चैट पर लोग 56 मिलियन की तादाद में थे, आज वही लोग अलग हटकर उसमें 90 से भी ज़्यादा क्रॉस हो चुके हैं, यानी कि 90 लाख से भी ज़्यादा लोग हैं जो इसमें अब आ चुके हैं शेयर चैट पर। और अर्निंग की अगर जहाँ बात करी जाए भाई, देखो पैसा सबको प्यारा है और सबको ये पता है कि शेयर चैट रियल मनी देता है। अब जब रियल मनी देता है तो लोगों तक पहुंचना तो जाहिर सी बात है ऑटोमेटिकली ऐप पहुंचेगा। जब लोगों तक ऐप पहुंचता है तो लोग उस पर मेहनत करते हैं, और मेहनत इसीलिए करते हैं कि अगर आज मैं 2 रुपये कमा रहा हूँ तो कल उससे 8 रुपये कमा पाऊँ, इसी वजह से वो मेहनत करते हैं। अब यहाँ पर देखो, आप जो मेहनत करते थे उसके लिए अब आपके जो व्यूज़ कम हुए हैं, अब उस व्यूज़ को ठीक कैसे करा जाए, इस पर थोड़ी सी बात करते हैं, इस पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं भाई। देखो ठीक ऐसे करा जाएगा कि आप जिस वक्त अपनी वीडियोस बनाते थे तो आपने सब कुछ देखा कि वीडियो बनाने के बाद आपने 10 से 12 मिनट लगाए, आज सिर्फ उसको इतना चेंज करना है कि पहले जो वीडियोस आपने देखी है उस पर थोड़ा सा ध्यान लगाएं, उस पर जो भी टॉपिक है, कोई भी आपका म्यूजिक है तो उस म्यूजिक में अंदर जाके देखें उस म्यूजिक पर कितनी वीडियोस बनी है और लोगों ने क्या क्या उस पर करा है। अगर आपके पास भी कुछ ऐसा टैलेंट है उन्हीं के जैसा तो आप वीडियो मत बनाओ, क्योंकि वही व्यूज आपको मिलने वाले हैं। लेकिन अगर आपने वो वीडियो देखी है और आपको लगता है कि इनसे कुछ अलग हटकर मेरे पास है और मैं उसको कर सकता हूँ, चाहे भले 15 से 20 मिनट लगे, तो आप बिल्कुल करिए, फिर आप वीडियोस बनाइए अपनी, और वीडियो बनाने के बाद 15-20 मिनट एक वीडियो में लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस बात की मैं गारंटी लिख के दे सकता हूँ कि आप उन लोगों से अच्छे रैंक पर आ जाओगे, उन लोगों से अच्छे टॉप लेवल कर जाओगे, और व्यूज़ भी आपके आएंगे, स्कोर भी आपको मिलेगा, पॉइंट भी आपको अच्छे आएंगे, और उससे आप अर्निंग भी अच्छी कर पाओगे। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आया हो कि आपको वीडियोज़ पर कैसे काम करना है। दूसरी चीज़ ये, जो लोग सिंगर्स हैं जो सिंगिंग करते हैं शेयर चैट पर भाई, उन लोगों के लिए भी है कि अगर आप पहले जो आपकी वॉइस थी वो आप नॉर्मली गाते थे, जैसे मान लो मैं यहाँ पे गा रहा हूँ, तो अभी मेरे यहाँ पे गाने की आवाज़ कुछ ऐसी लग रही है, बिल्कुल कोई सराउंडिंग नहीं है, ठीक है, तो आज आपको 1000-2000 व्यूज़ मिल जाएंगे। लेकिन अब की अगर मैं बात करूँ तो अब कॉम्पिटिशन बढ़ गया है, क्योंकि अब लोग फिल्टर्स लगा के गा रहे हैं, अब लोग स्टूडियोज़ में जाके गा रहे हैं, अब लोग डायरेक्टली कुछ एप्लीकेशंस के माध्यम से गा रहे हैं, अब लोग कुछ माइक्रोफोन अच्छे आ गए हैं तो उसकी वजह से अच्छा गा रहे हैं। तो यहाँ पर आपको भी ध्यान देने वाली बात है कि आप अपनी सिंगिंग को थोड़ा सा इम्प्रूव करिए। इम्प्रूव करने के लिए कुछ एक्सेसरीज़ की ज़रूरत है, जो कि आप चाहे माइक हो या फिर आपकी सराउंडिंग एरिया हो या फिर कुछ भी एवरीथिंग ऐसा हो जो उसकी व्यूज़ उसके टॉपिक पर से कुछ अलग हटे आपका, तो आपका भी फ़ायदा है कि आप उस पर काम कर सकते हो। तो यहाँ पर सिंगिंग की भी बात हो गई, अब बात कर लेते हैं जो लोग खुद से क्रिएट करते हैं, कुछ इमेजेस हो गई,
तो इमेजेस वालों के लिए भाई मैं यही कहना चाहूंगा कि आप अपनी इमेज को जब दूसरों को देखते हैं, दूसरों की इमेजेस को देखते हैं, उस पर लिखा हुआ जब देखते हैं, तो कोशिश करो कि आपका समझ में ना एकदम सरल तरीके से है। मान लो आप जब पहले मेहनत करते थे तो आपने कुछ भी लिखा डाल दिया और उस पर 2,000-3,000 व्यूज आ जाते थे। आज कंपटीशन की वजह से लोग भी वही कर रहे हैं और अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनके 2,000-3,000 आ रहे हैं, लेकिन आप भी उन्हीं लोगों में शामिल हो रहे हो। तो आपको कुछ अलग हटकर करना पड़ेगा। जब आप कुछ अलग हटकर करोगे तो आपका भी टॉपिक जो है वो कुछ अलग निकलेगा, आपका जो टैग है वो कुछ अलग निकलेगा, और आपकी जो कैटेगरीज है वो कुछ अलग निकल कर आएगी। तो यहाँ तक बात समझ में आई। तो पहला तो मैंने उन लोगों के लिए बताया जो साउंड पर वीडियो बनाते हैं उनको कैसे बनाना है। दूसरा मैंने ये बताया जो लोग सिंगिंग करते हैं उनको किस तरह से सिंगिंग इंप्रूव करनी है और कैसे लोगों से अलग हटकर काम करना है। और तीसरा जो है भाई जो क्रिएट करते हैं फोटोज वगैरह को, उस पर कैसे वो अलग हटकर उस पर कर सकते हैं। अगर इन चीज़ों पर आप काम करते हो तो आपने आज मेरी इन बातों को अगर ज़रा सा भी मान के चल लोगे और 1-2 हफ्ते भी लगा दोगे, मैं महीना तो बोलते ही नहीं हूँ जी, 1-2 हफ्ते अगर आप लगाओगे तो आपकी जो व्यूज़ की जो एवरेज थी पहले 500-600, आज वही एवरेज आपकी दुगनी तिगनी हो जाएगी। इतना मैं बहुत अच्छे से बोल सकता हूँ, बड़े कॉन्फिडेंस के साथ बोलूँगा इसको, क्योंकि मैं उस चीज़ को ऑब्जर्व भी कर चुका हूँ। तो यही सारी चीज़ें हैं। आप लोग शेयर चैट पर अर्निंग कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो शेयर चैट पर अर्निंग से मतलब नहीं रखते, वो सिर्फ इस चीज़ से मतलब रखे हुए हैं कि मैं किसी भी तरह से फेमस होना चाहता हूँ शेयर चैट पर। तो शेयर चैट पर फेमस तो होना ही है, लेकिन अर्निंग भी अगर हो तो उससे क्या कुछ नहीं हो सकता। आई होप कि आज का जो टॉपिक है आप सब लोगों को बड़े अच्छे से समझ में आया होगा दोस्तों। अगर समझ में आया है तो हमारे चैनल पर अभी से वीडियो को लाइक कर देना दोस्तों, बाकी तो पता ही है। बाकी पता है तो फिर करना देरी किस बात की है, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करो और साथ में लगा नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाओ। आज के लिए बस इतना ही, बाय।